हे फूडीज, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोमो मिया पिज़्ज़ा, जो पिज़्ज़ा हट का काफ़ी ट्रेंडिंग पिज़्ज़ा है। उसको बनाना बहुत ही आसान है। जो मोमोज़ और पिज़्ज़ा दोनों खाना पसंद करते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। इसको कैसे बनाएंगे तो आगे आप रेसिपी में देखिए, फुल वॉच कीजिए और इसको इंजॉय कीजिए। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो ये मैंने ये डो ले लिया है। तो डो की रेसिपी और मोमोज़ की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख करके मोमोज़ और जो डो है वो रेडी कर लीजिए। क्योंकि मैंने इसमें नहीं दिया है, वीडियो लंबा हो जाता काफ़ी, तो इसलिए तो मैंने ये बेस बना लिया है पिज़्ज़ा का। तो देखिए इसको बेल लिया है मैंने अच्छे से, और आप साइज़ अपने हिसाब से रख लीजिए। आप बड़ा पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, छोटा पिज़्ज़ा, तो मैं मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। और ये मैंने इस पे बेकिंग ट्रे पे रख लिया है इसको। अब इसे हम ना फॉक से थोड़ा सा इसमें छेद कर देंगे, जैसे कि ये फूले नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस बेस को हम 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, और 10 मिनट के बाद हम इसमें चटनी लगाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें लगा देती हूँ मोमो की चटनी, क्योंकि मोमो में या पिज़्ज़ा है तो मोमो की चटनी तो लगानी ही है। और अगर आप स्पाइसी नहीं खाते, बच्चों को खिलाना है, तो आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। और इसमें लगा दिया है मैंने टमाटो सॉस। अच्छे से फैला लीजिए और इसे कट कर लीजिए, क्योंकि हमें इसमें मोमोज़ को फिल करना है। तो इस तरह से आप कट करेंगे, तो ये देखिए कट हो गया है। अब हम इसमें मोमो लगाएंगे। देखिए एक एक करके मोमोज़ इसमें रखिए और इसको कवर कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से हम कवर करेंगे, तो ये पीछे से लेकर के आगे की तरफ इसको चिपका देंगे। तो सारे मोमोज इसी तरह से हमें लगाने हैं। तो ये पिज़्ज़ा ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि आपने ट्राई किया तो ये कैसा बना। क्योंकि मैंने बनाया था तो बच्चों को बहुत ही पसंद आया, तो आप भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो ये देखिए सारे मोमोज हो गए इसमें, तो अब मैं इसको भी कवर कर देती हूँ। तो सारे मोमोज़ मैंने देखिए इसमें अच्छे से लगा दिए हैं। अच्छे से चिपका दीजिए इसे हाथ से, जिससे ये खुले नहीं। और इसके ऊपर हम ना ऑयल लगाएंगे, जो मोमोज़ का जो है उस पर हम ऑयल ब्रश करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से सिक जाए। बीच में मैंने लगा दिया है, पहले मैंने पिज़्ज़ा का चीज़ लगाया है, उसके बाद मैंने वेजिटेबल लगाई हैं। तो मैंने इसमें शिमला मिर्च, प्याज, ऑलिव्स लगाए हैं, और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो इसमें डाल दिया है। ऊपर से मैंने इसमें ऑयल लगा दिया है, मैं दिखा नहीं पाई आपको, जिससे कि अच्छे से सिक जाता है। और इसको हम कन्वेक्शन मोड पे, माइक्रोवेव में बना रही हूँ मैं, कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए इसको आप रख दीजिए। तो ये देखिए रेडी हो गया है, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट बना था, खाने में बहुत ही टेस्टी। तो आप इसको ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको और कोई रेसिपी चाहिए तो वो भी बताइए। तो ऐसी ही रेसिपी के साथ आपको फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय।